बॉलीवुड की चांदनी यानी श्रीदेवी का शनिवार को दुबई में निधन हो गया। शुरुआती खबर ये आई कि उनकी मौत कार्डिक अरेस्ट से हुई, लेकिन कल फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत बाथटब में डूबने से हुई। तो सवाल यही है कि क्या श्रीदेवी की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगी। मेरे साथ इस वक्त ऐश्वर्या है, जिन्होंने इस पूरे मामले में नजर बनाए रखी है। ऐश्वर्या, अब तक का आप मुझे पूरा घटनाक्रम पहले बताएं। 24 फरवरी की रात में ऐसी खबर आई कि जो कि मतलब इंडियन मीडिया को 25 फरवरी यानी कि रविवार को हमें ये खबर दी गई कि रात में 3 बजे करीब कि श्रीदेवी जी का निधन हो गया है अटैक से। तो वही खबर हमने भी चलाई कि अटैक से निधन हो गया है, लेकिन उस टाइम पे भी ये सवाल था कि जब उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं तो अटैक कैसे आ गया है। उसके बाद कल जो खबरें सामने आई उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उसमें पहली जो अहम चीज़ सामने आई वो ये थी कि वो 2 दिन से अपने रूम के बाहर नहीं निकली थी। वो 2 दिन से रूम के बाहर क्यों नहीं निकली थी, ये खुद में एक सवाल है। और उसके बाद बोनी कपूर जी जो कि वापस आ गए थे, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वो एक पारिवारिक समारोह था उनके यहाँ शादी में जिसमें वो गई हुई थी, पूरी कपूर फैमिली थी, लेकिन सब वापस आ गए थे केवल श्रीदेवी जी के। वो होटल में ही रुकी हुई थी 2 दिन से, और वो 2 दिन से ऐसा कहा जा रहा है कि 2 दिन से वो होटल के रूम से बाहर नहीं निकली थी। वो 2 दिन क्या था जो कि वो होटल में रुकी, पूरी फैमिली बाहर आ गई है, मतलब घर आ चुकी है, वो नहीं आई हैं। और जिस दिन ये हादसा हुआ है शनिवार को, उसी दिन शाम को बोनी कपूर उनके पति उनसे मिलने पहुंचे थे, सरप्राइज डिनर भी था उनका। वो डिनर के लिए रेडी होने बाथरूम में गई, और उन 15 मिनटों में कुछ ऐसा हुआ जो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, गैस लगा सकते हैं कि जैसा कि रिपोर्ट में आया उनकी ब्लड में अल्कोहल के अंश पाए गए हैं। तो उस अंश के पाए जाने से लोग ये करने लगे हैं कि शायद उन्होंने, मीडिया में ऐसी खबरें आई कि उन्होंने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि वो बेहोश हो गई या उनको चक्कर आया, वो बाथटब में गिर गई और वो मर गई। बट हम ये नहीं कह सकते ना वो बाथटब का साइज कितना था, श्रीदेवी जी के कहीं चोट लगी थी कि नहीं लगी, डूबने से कैसे, और बाथटब में पानी इतना कैसे फ्लो हो गया कि वो, और उनकी बॉडी ऐसा बताया कि फूल गई थी 15 मिनट में। डूबने से किसी की बॉडी फूलती नहीं है, ये सभी को पता है। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद जिस टाइप से कल 16-17 घंटे उनके पति से पूछताछ हुई है वो भी खुद में सवाल बन गया। अभी कुछ देर पहले मीडिया में ये भी खबर आई कि जिस डिनर प्लानिंग की बात हो रही है उस टाइप की डिनर प्लानिंग की कोई बुकिंग कहीं भी किसी भी होटल में बोनी कपूर श्रीदेवी जी के नाम से नहीं थी, तो वो किस डिनर पार्टी में जा रहे, मतलब कहीं ना कहीं एक पति पे भी सवाल उठ रहे हैं, मिस्ट्री बन रही है। कहीं बोनी कपूर शक के दायरे में वो आ रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि वो नहीं, लेकिन जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, एक अच्छी खासी अभिनेत्री अचानक से उसके अटैक की पहले बात आती है, उसके बाद फिर जो जिस तरह से 3 दिन हो गए हैं उनकी बॉडी नहीं दी जा रही है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की बॉडी नहीं दी जा रही है कि पहले कहा कि ठीक है उनको अटैक आया तो ठीक है उसकी जांच पड़ताल होती और मिल जाता। उनका पूरा जिस होटल में वो ठहरी हुई थी वो पूरा फ्लोर पैक कर दिया गया, वो पूरा फ्लोर पुलिस की निगरानी में है। 2 बार उनके रूम की चेकिंग हो चुकी है, उनका फोन जब्त कर लिया गया है, उनके फोन में डिटेल्स चेक की जा रही है, उन्होंने किससे बातें की थी, मतलब कई सारे। अब जो रिपोर्ट में भले ही कह दिया कि आपराधिक आशंका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को इस चीज पे है कि ताजा जानकारी क्या है आपके पास और उनका पार्थिव शरीर कब भारत ला जाए। ताजा जानकारी यही है कि 3 बजे तक उनका पार्थिव शरीर सौंप दिया जाएगा परिवार को, और उसके बाद आज रात तक शरीर आ सकता है, लेकिन अभी इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ ये सूत्रों के हवाले से ही खबर आ रही है। एक खबर में और पढ़ रही थी कि हो सकता है उनका पोस्टमार्टम फिर से हो। हाँ, ये भी खबर चल रही है कि हो सकता है, लेकिन इसकी भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। मैंने बोला ना, हम वहां पे नहीं थे उन 15 मिनटों के घटनाक्रम पे, हम सिर्फ सोर्सेस से सारी बातें कर सकते हैं, हम सोर्सेस से कह सकते हैं कि दोबारा होगा, ये सोर्स ही चल रहे कि उनका दोबारा पोस्टमार्टम होगा। जब एक बार पोस्टमार्टम में चीजें क्लियर हो गई हैं तो दोबारा पोस्टमार्टम शायद बोनी कपूर जी के बयान के बाद कुछ ऐसे सवाल आए हो कि ये बन रहा है माहौल कि उनका दोबारा से किया जाए, बट अभी तक इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि उनका दोबारा ही किया ही जाएगा पोस्टमार्टम। गुलनीत है मेरे साथ। गुलनीत, आपने कई डॉक्टर से बात करी है, तो आपको क्या जानकारी मिल पा रही है कि मौत का कारण क्या हो सकता है? देखिए, जो इनिशियल खबर आई थी कि कार्डियक अरेस्ट जो अनाउंस किया गया था कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है, तो उस टाइम पे बहुत लोगों के मतलब ये दुविधा हो गई थी कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक से श्रीदेवी की मौत होगी। बट मैं आपको ये बताऊंगी, मूलचंद हॉस्पिटल के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल से हमने बात की थी, उन्होंने ये बताया कि ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं, बल्कि हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट का एक पार्ट है, कार्डियक अरेस्ट बहुत बड़ा टर्म है,
और हम आपको बता दें, हमने इस पर बिल्कुल डिटेल स्टोरी भी की थी जिसमें हमने लिखा था कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। कार्डियक अरेस्ट ज्यादा हार्मफुल होता है, मतलब इसमें जान जाने का ज्यादा खतरा होता है, और महिलाओं में स्पेशली जब मेनोपॉज स्टार्ट हो जाए उसके बाद महिलाओं में इसका खतरा बढ़ जाता है, और जो कि उनकी मौत का कारण भी बन सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब हार्ट अटैक में धमनियों में ब्लड ब्लॉक हो जाता है, बल्कि कार्डियक अरेस्ट में इलेक्ट्रिकल जो इम्बैलेंस हो जाता है उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। उसके बाद वो पूरा सीक्वेंस में चलता है, ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है, दिमाग पर असर होता है, और सांस फूलने लगती हैं, आपकी पल्स बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तो इन सब चीजों का मतलब अटकलें लगाते हुए ये बोला जा सकता है कि हाँ, हो सकता है कि वो एकदम बेसुध हो गई हों, बॉडी इम्बैलेंस हो गई हों, जिसकी वजह से उनके साथ ये सब हुआ। बट फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद जब आया है कि उनकी बॉडी में अल्कोहल के अंश पाए गए हैं, तो उसके बाद उनके साथ ये सब हुआ, वो बाथटब में बेहोश मिली, जो भी ये चीजें हैं। तो इससे रिलेटेड हमने एक साइकियाट्रिस्ट से भी बात करके देखी, तो उन्होंने ये कहा कि अल्कोहल का क्या कंजम्पशन है, आप स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, प्लस जो सर्जरीज की बात की गई, तो सर्जरीज से रिलेटेड हमें ये उनसे ये जानने को मिला कि सर्जरीज के कारण हमारे स्ट्रेस बढ़ता है, बॉडी में अलग अलग तरह का पेन होता है, वो पेन हमारे माइंड को इम्बैलेंस करता है। तो उन सब चीज़ों से चलते जैसे कि वो ट्रीटमेंट भी ले रही थी, उनकी दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा चल रही, तो वो दवाइयाँ भी एंग्जाइटी डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं, तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो अभी कारण हमें नहीं पता, मामले ने एकदम यूटर्न ले लिया। मेरे साथ रंगनाथ सर है। सर, ये जो मौत एक उनकी मिस्ट्री बनती जा रही है या फिर इसको मीडिया जो है हाइप कर रहा है? देखिए, मीडिया ने तो इस पूरे मामले में बहुत ही एक बार फिर से अपने को बेवकूफ साबित किया, एक तरीके से गैर जिम्मेदार साबित किया है कि उन रिपोर्ट आने के साथ ही मीडिया कार्डियक अरेस्ट और कैसे हुआ क्या हुआ सारी चीजें लेके आ गया, जबकि कुछ भी जानकारी नहीं थी उसके पास। तो ये मीडिया के अभी भी जैसे सब कुछ गैस पे चल रहा है, जैसे ऐश्वर्या ने बताया ना कि सब कुछ गैस पे चल रहा है, किसी के पास भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी कि श्रीदेवी का निधन हो गया उस रात को, और पूरा भारतीय मीडिया खास तौर पे और इस तरह उनके बारे में खबरें चला रहा था, उनके बचपन से लेकर जवानी और मृत्यु तक चला दिया। लेकिन जो एक बेसिक चीज़ है कि अगर हर डेड बॉडी है तो उसका पोस्टमार्टम हुआ, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक वहाँ के स्थानीय अखबार ने, गल्फ न्यूज़ ने उसको देखा या देखने की जहमत उठाई। तो भारतीय मीडिया ने तो इसकी भी मेहनत नहीं की कि जरा किसी की मौत हुई है तो जरा देख लें कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है। तो गल्फ न्यूज ने एक रिपोर्ट देखी, मतलब मीडिया के पूरे एक दिन के रिपोर्टिंग में पहली सही रिपोर्टिंग वही हुई कि किसी ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी और उसमें देखा कि इसकी ये मृत्यु कारण है। अब उसके बाद मीडिया, चूंकि भारतीय मीडिया फिर बावला हो गया, पहले तो बावला था मौत पे, ड्रॉइंग की स्पेलिंग पे ये बातें उठ रही थी, इश्यू जैसी बातें उठ रही थी, बहुत सारे अश्लील तरह के कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं। जो एक किसी की मृत्यु का मामला हो चाहे आपराधिक मामला भी हो, बहुत ही संवेदनशील मामला है, लेकिन बोनी कपूर से लेके उनके परिवार से लेके हो सकता है आप उनको बहुत आहत कर रहे हो, तो अगर ये मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि हाँ चल रहे एक्सीडेंटल ड्राउनिंग है, तो मीडिया जैसे उसमें अगर उसमें एक्स्ट्रा मीनिंग खोज खोज के निकालना, ये पुलिस का काम है, मीडिया का काम है कि जो हुआ है उसको रिपोर्ट करना, न कि अपने तरफ से संभावनाएं देना। लेकिन टीवी एंकर हो चाहे कोई भी हो, वो अपने अपने तरह से जासूसी एंगल बता रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ये बहुत त्रासद है उस परिवार के लिए, उन परिवार के उनके बच्चे हैं, उनके करीबी लोगों के, और अदालत का काम है फैसला करना। तो मीडिया बहुत गैर जिम्मेदार, अभी भी उसको कुछ नहीं पता, इमेजिनेशन में हम कुछ भी हो, और हमें लगता है हमें इंतजार करना चाहिए, और बेवजह उसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना गैर जिम्मेदाराना हरकत है। सर, इस मामले को पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है, कांग्रेस ने भी बयान दिया, उसके बाद अमर सिंह का बयान आता है कि श्रीदेवी सिर्फ वाइन पीती थी, अल्कोहल वो नहीं पीती थी। देखिए, ये मीडिया फुटेज खाना तो एक जैसे फैशन हो चुका है, कोई भी आदमी जिसको कुछ भी नहीं पता हो कुछ ना कुछ बोल रहा है। तो आज के जमाने में जिस सोसाइटी से श्रीदेवी आती थी, तो उसमें वाइन पीना, या सुब्रमण्यम स्वामी बता रहे थे कि बियर पीती हैं बीजेपी नेता हैं, सबको पता है कि वो क्या पीती हैं, पता नहीं वो कितनी बार मिली हैं नहीं मिली हैं। अमर सिंह हो सकता है उन, चूंकि उस कार्यक्रम में भी गए थे और उनके करीबी थे, तो वो बता रहे हैं कि कभी कभी वाइन पीती थी। तो अब जो कि इस घटना में जब श्रीदेवी का मामला आया, तो कॉमन मिडिल क्लास वाला रहा कि अच्छा वाइन पीती थी, लेकिन श्रीदेवी जिस क्लास से आती थी, जिस वर्ग से आती थी, एक अभिजात्य वर्ग से आती, तो वहाँ कभी ओकेजनल वाइन पीना या बियर पीना इट्स नॉट अ टैबू। तो अब उसको, लेकिन जब इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे होगा कि क्या वो शराब पीती थी, तो जो उसमें वैल्यू, किसी ने लिखा है, लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि अगर उनके बॉडी में थोड़ी मोड़ी शराब भी थी, तो यहाँ लोग 10-10 बिजनेस पैक पी के वो रोज चल रहे हैं, टहल रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। तो आप इमेजिन कर करके, और शराब की बदनाम, शराब एक बदनाम चीज़ है,
उस एक हीरोइन, एक महिला एक ऐसी चीज है जिससे बदनामी सबसे पहले छूटती है, उसके बाद एक हीरोइन है, हीरोइन के करेक्टर को लेके, चीजों को लेके दिमाग में लोगों के तरह तरह के ख्यालात रहते हैं। तो इन सारे जो कॉन्स्पिरेसी थियरी के जो सारे मसालेदार एंगल है ना, शराब है, महिला है, हीरोइन है, मर्डर है, वो सब मीडिया को मिल गए, तो मीडिया उससे अपना बहुत ही अमानवीय तरीके से अपनी खिचड़ी पका रहा है। आप सर, हम देखिए एक सुनंदा पुष्कर का भी एक जो मौत थी वो मिस्ट्री बन के रहेगी, शशि थरूर भी शक के दायरे में थे, ऐसे में बोनी कपूर भी शक के दायरे में है, तो आपको क्या एंगल लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये जो मौत है मिस्ट्री बनकर रह जाए? नहीं, मैं जिस चीज़ की मैं खिलाफत कर रहा हूँ या विरोध कर रहा हूँ वो मैं नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि पुलिस हो सकता वहाँ की भी पुलिस अपने को निकम्मा साबित कर दे। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि वो मौत मिस्ट्री बन के रहेगी, कोई मौत मिस्ट्री बन के नहीं रह जाती है, बसरते तो मुझे लगता है कि हाँ ये हमारी पुलिस की तरह कहीं वहाँ की पुलिस भी निकम्मी ना निकले। वो पुलिस साफ साफ, जैसे वहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा ना कि भाई ये है कारण, तो उसी तरह पुलिस जाँच कर रही है, जाँच लेके आएगी। अगर भारतीय पुलिस की तरह हुई तब तो हो सकता है कि बड़ा फेमस किस्सा है ना कि गधे को टांग के मार रही थी यूपी पुलिस, कह रही थी मानो कि तुम शेर हो, तो वो पुलिस की विफलता है ना कि मर्डर मिस्ट्री बन के रहेगी कि हाँ पुलिस हमारी सबूत जुटाने में बहुत कमजोर है, फॉरेंसिक एविडेंस लेने में बहुत कमजोर है, गवाहों और इसके बयानों और इनको गवाहों के प्रोटेक्शन में बहुत वीक है, तो ये पुलिस की विफलता, ये हमारे उस आदमियों के बारे में नहीं बताता, हमारे कानून व्यवस्था के बारे में बताता है और खासतौर पर पुलिस व्यवस्था, वो इस काबिल ही नहीं है कि किसी मौत को ट्रेस कर सके, और स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस शायद उसको कर लेती, तो वहाँ 10-20% केसेस अनसॉल्व रहते होंगे, हमारे के यहाँ 80% केसेस अनसॉल्व हैं। अब सीसीटीवी फुटेज ना जाए, ना जाए, वही ना जाए, तो वो अक्सर ऐसा ही होता है। गुलीत, मैं, आपने डॉक्टर से बात करी है, मैंने भी जिस दिन ये खबर हमारे पास आई तो मैंने उनके कई करीबी लोगों से बात करी, तो एक चीज जो मेरे सामने आई, जो मैंने सबने एक ही जवाब दिया कि वो बहुत डिसिप्लिन लेडी थी, अपने अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखती थी, अपना एक्सरसाइज करना, और सबसे इंपॉर्टेंट वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीती थी, शूटिंग पे भी टाइम पे जाना, टाइम पे आना, तो इतना फिट रहने के बावजूद डॉक्टर्स ने क्या बताया कि क्या कारण हो सकता है सब, क्यों हमारी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड करती है? देखिए, जब तक किसी खबर की पुष्टि नहीं होती तो डॉक्टर भी कुछ साफ नहीं बोल पा रहे हैं, जैसे तमाम मीडिया हाउसेस दिखा रहा है, कहानियां बन रही हैं, इधर उधर से अफवाहें उड़ रही हैं कि श्रीदेवी ने सर्जरीज करवाई, बिल्कुल ड्रग्स लिए हुए थे, वो सर्जरी ट्रीटमेंट के चलते वो कुछ ऐसा यूज कर रही थी जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गई। तो इतनी सारी बातों, इतने सारे पॉइंट्स को लेकर अगर डॉक्टर से हम पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो वो फिर बहुत सारी चीजों के साथ आते हैं। जैसे हमें डॉक्टर के अग्रवाल जी ने बताया, हमने उनसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा कि सर्जरीज की वजह से कार्डियक अरेस्ट क्या आ सकता है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि सर्जरी और कार्डियक अरेस्ट का कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर इसके अलावा कोई और कारण हो सकता है, जैसे टेंशन हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, या जैसे कि सबको पता है श्रीदेवी अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखती हैं, तो अगर उनकी हेल्थ में कोई इश्यू था या नहीं उससे रिलेटेड, अगर कार्डियक अरेस्ट या उनके उन्हें कोई मेंटल प्रेशर था वो एक अलग चीज है, बट उन्होंने सर्जरी और कार्डियक अरेस्ट का कोई कनेक्शन हो सकता है इससे साफ मना कर दिया। ऐश्वर्य, आपसे छोटे से ऐसे बात करूंगी, आपसे कह रहे हैं कि बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना की उनकी भी डेथ हो गई थी अर्जुन कपूर की फिल्म रिलीज होने से एक महीने पहले, ऐसी जाह्नवी कपूर की भी फिल्म आने वाली है वो उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या इस पे प्रतिक्रिया आपकी? एक्चुअली क्या है, मीडिया ना हर चीज को तोल रहा है कि अब उनकी बेटी को भी ये सदमा लगा है, सेम जो अर्जुन कपूर को सदमा लगा है, इवन डेथ डे तक कंपेयर की जा रही है। अच्छा, एक 24 की हमारी एक्सपायर हुई थी, एक 25 को एक्सपायर हुई, ये सब करना मुझे लग रहा है बिल्कुल बकवास है। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी अच्छी औहदे पे पहुंचे, कुछ अच्छा करे, शायद श्रीदेवी जी भी वही चाहती होंगी जो हर माँ चाहती है, तो इसमें कुछ अलग नहीं था। जो अगर ऐसा हुआ है कि अर्जुन कपूर की फिल्म रिलीज होने के पहले उनकी माँ एक्सपायर हो गई, या जाह्नवी की फिल्म रिलीज होने से पहले उनकी माँ एक्सपायर हो गई, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अजीब है कि बोनी कपूर की दोनों ही पत्नियां तब एक्सपायर हुई जब उनकी दोनों ही पत्नियों के बच्चे फिल्मी सफर का आगाज करने जा रहे हैं, दोनों ही बड़े बच्चे, ये भी खुद में एक वो है, इसको कोइंसिडेंस कह सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। तो कोई आपको कोई खबर आ रही है कि उनका पार्थिव शरीर कब लाया जाएगा और अंतिम संस्कार की क्या कब आएगा? अभी तक यही है कि आज दोपहर तक या शाम तक उनको सौंप दिया जाएगा परिजनों को, लेकिन अभी तक गल्फ न्यूज पे ही हम अपडेट्स ज्यादा फास्ट ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है कि आज ही उनकी डेड बॉडी मुंबई आ जाएगी या आज भी नहीं आएगी। लोग
हम सब उनके फैंस हैं, तो सबकी निगाहों में बस एक ही चीज है कि कब उनकी वो चांदनी मुंबई में अपना आखिरी दर्शन देने के लिए अपने फैंस को आएंगी। फैंस का बहुत जमावड़ा है उनके घर में, लगातार रविवार से जमावड़ा लगा हुआ है। बात यह है कि 3 दिन हो गए और उनके फैंस उनके घर के बाहर से, इवन जितनी भीड़ श्रीदेवी जी के घर के बाहर उनके फैंस की, उतनी ही अनिल कपूर जी के घर के बाहर है। तो लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ही मीडिया कोई अपडेट देती है तो लोग एक आश बांध लेते हैं कि चलो अब शायद हमको आखिरी, भले ही वो बहुत दूर से वो अंतिम संस्कार की कुछ झलकियां मिल जाए फैंस को, लेकिन एक जो सुकून होता है फैंस के लिए, इतनी कम एज पे जो चली गई उनकी फैन, लास्ट फिल्म अगर उनकी हम बात करें, मॉम ने एक छवि बदल दी थी, हर माँ के लिए एक मिसाल बन गई थी वो। तो ऐसे में लोगों को एक धक्का लगा है कि अरे यार अब तो हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। सबसे खास बात मैं आपको बताती हूँ, उनकी सैटरडे को डेथ हुई और संडे को मॉर्निंग में जब सबको ये पता चल गया, उसी दिन शाम को 2 चैनल्स पे प्रोग्राम्स आए थे, जिसमें एक था कलर्स चैनल पे फिल्म फेयर आया था और दूसरे जी टीवी पे आया था उमंग, जो मुंबई पुलिस के लिए। उस उमंग में श्रीदेवी जी को एक पता नहीं क्या कुछ होने वाला था, ऐसा कि स्पेशल ट्रीटमेंट जो हम बोलते हैं कि उनको स्पेशली ऊपर लाया गया, लोग बोला कि आप बहुत अच्छी हैं। तो उस टाइम पे जब मैं खुद देख रही थी तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि जिस इंसान को मैं आज पर्दे पे देख रही हूँ, इसको मैं कभी पर्दे पे नहीं देख पाऊंगी। मतलब थोड़ा सा अजीब है, भले ही उनकी लास्ट पिक्चर जीरो में वो एक आएंगी, गेस्ट अपीयरेंस है उनका, लेकिन मॉम वो लास्ट फिल्म है जो जाते जाते लोगों की दिलों में बस गई। इनफैक्ट मैं जब उनके फैंस से बात कर रही थी तो काफी फैंस ने बोला कि हम जीरो में उनका इंतजार कर रहे थे उनके एक झलक पाने के, क्योंकि मॉम में जो उनका कैरेक्टर था उससे वो लोग इतने ज्यादा कनेक्ट कर चुके थे कि अब वो उनका इंतजार कर रहे थे कि जीरो में आए। सर थोड़े सॉफ्ट बात करते हैं श्रीदेवी जी के बारे में। उन्हें कहा जाता है कि वो बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार उनको बोला जाता है, और किस तरह से आप उनका बॉलीवुड करियर देखते हैं, और आपको कोई उनकी कोई एक फिल्म जो आपको बहुत पसंद रही? 80s के जैसे श्रीदेवी से पहले मीना कुमारी होमन बहुत बड़ी स्टार थी, वो कई बार हीरो से ज्यादा पैसे लेती थी, मधुबाला स्टार थी, फिर एक बीच में गैप आ गया लेट्स में, लेकिन 80s में श्रीदेवी जिस तरह से उभरी उन्होंने एक तरह से रूल किया जो सिंगल मतलब स्टारडम था, कि श्रीदेवी जैसे कई फिल्मों में डबल रोल है या वो हीरो के बराबर का रोल, और उनकी अभिनय प्रतिभा अद्भुत थी। वो उनकी सदमा फिल्म में जिस तरह से उन्होंने एक लड़की का जिस तरह की कैरेक्टर है, और फिर चालबाज में या रूप की रानी चूरों को राजा में दूसरी तरह का, या चांदनी में तीसरी तरह का कैरेक्टर, और हर कैरेक्टर उनका एक कल्ट कैरेक्टर बन गया। कि अब अगर आप चांदनी फिल्म देखेंगे तो उस दौर में हम लोगों ने जितनी भी शादियां देखी होंगी और उनमें 5 लड़कियों ने अगर डांस किया होगा ना, तो उसमें से 4 ने डांस किया होगा कोई श्रीदेवी का गाना होगा। उस वो तो आप उन छवियों को उन या तमाम तरह के उनके जो सेट्स थे अभिनय के, और उस पूरी जनरेशन को उन्होंने रिलेट किया। और एक हीरो हीरोइन जो होता है कि आदमी आप उसके संग रोते हैं, उसके संग हंसते हैं, उसके संग आप उसका गाना गाने लगते हैं, उसकी तरह डांस करने लगते हैं, उसकी तरह बाल बनाने लगती हैं लड़कियां, और लड़के उस तरह के बालों को पसंद करने लगते हैं। तो वो जो 2-3 जनरेशन थी, और सबसे बड़ी बात है जो ये लोग कह रहे हैं कि श्रीदेवी जो उन्होंने अब कमबैक किया, कमबैक करना बहुत टफ है इंडस्ट्री में, हमेशा हिंदी इंडस्ट्री में तो हीरोइन जहां 30 साल से ऊपर की हुई तो उसका करियर ही गया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने जैसे कमबैक किया, उससे श्रीदेवी ने कमबैक किया, और कमबैक रोल में वो बहुत अप्रिशिएट हुई, चाहे इंग्लिश हो चाहे मॉम हो, दोनों में उन्होंने एक माँ का ही रोल किया था दोनों में, और वो उसमें उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया। तो जनरेशन अगर पिछली जनरेशन के वो टीनेज का क्रश थी, 2-3 जनरेशन की 80s और 90s में जो बड़े हो रहे थे श्रीदेवी उनके लिए टीनेज क्रश थी, तो इस जनरेशन के लिए एक आइडियल मॉम की तरह आए कि हाँ। और वो बहुत सारे बच्चे अपनी माँ को शायद उस तरह से प्रॉब्लम को समझते नहीं थे कि जनरेशन गैप, लेकिन श्रीदेवी की फिल्म देख के इंग्लिश देख के लोगों को नहीं कि मेरी माँ बेवकूफ़ नहीं है, या मेरी माँ भी एक ह्यूमन है, और उसका जो हमारा जनरेशन गैप है और हमें उसको कैसे देखना चाहिए, उसके पास भी अपनी लाइफ हो सकती है, उसके पास भी आइसोलेशन हो सकता है। तो फिर नई जनरेशन उनसे रिलेट कर रही थी, तो ऑब्वियस है। और सबसे बड़ी बात है कि 54 साल की उम्र में श्रीदेवी ने 4 साल की उम्र से करियर शुरू किया था, और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई अपने जीवन के 54 साल में से 50 साल उसने एक आर्ट को दिया। उस एक आप बच्चे से आम तौर पे आपका जीवन, बहुत सारे लोगों के जीवन इससे सार्थक जीवन क्या हो सकता है कि आप सोचे 54 साल के जीवन में 50 साल, एक क्रिकेटर है 10 साल 12 साल 15 साल क्रिकेट खेलता है, इसी से वो जीवन भर कमाता है। और सभी का लेखक के जीवनों के आप देखेंगे तो उसमें 5 साल बहुत बेस्ट पीरियड होता है राइटिंग का। श्रीदेवी 4 साल की उम्र से बताइए, और एक चाइल्ड आर्टिस्ट से टीनेज आर्टिस्ट से
ग्रोन अप गर्ल से लेके एक मॉम तक का सफर जो है वो शानदार सफर है और एक महान कलाकार के रूप में उनको लोग याद रखेंगे। तो गुलनीत और ऐश्वर्या, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, कौन सी आपकी कोई उनकी बात आपको अभी तक याद है या फिर कोई उनकी फिल्म जो आपको बहुत पसंद है? मुझे शदमा और लम्हे बहुत पसंद थी। लम्हे में उनके जो दो करेक्टर थे, एकदम एक शांत गंभीर वाली श्रीदेवी और एकदम एक नटखट मनचली वाली श्रीदेवी, वो दोनों ही इतनी ज्यादा मुझे पसंद थी। उसके बाद सदमा मूवी शायद मुझे हमेशा ही याद रहेगी। मैं हमेशा सदमा देखना, एक बार अगर आ रही है मूवी टीवी पे, मैं एक बार रुकती हूँ सदमा देखने के लिए। इसलिए नहीं कि उसमें श्रीदेवी की एक्टिंग बहुत अच्छी, इसलिए क्योंकि वो पता नहीं क्या था जो कि हर बार एक बार रिमोट को रोक देता है कि सदमा आ रही है, चलो रुक के देख लेते हैं। बोली तो आप बताइए, श्रीदेवी की ब्यूटी और एक्टिंग पे मैं कुछ कमेंट करूं? मैं इस लाइक नहीं हूँ। हाँ, मतलब उनकी ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बट मुझे उनका चुलबुला नेचर सबसे ज़्यादा पसंद आता था, इसलिए मेरी फेवरेट है मिस्टर इंडिया और चालबाज। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई और हीरोइन इतना अच्छा उन रोल को निभा सकती थी। और सिर्फ फिल्मों की ही क्यों बात करें प्रतीक्षा, मतलब अभी तक श्रीदेवी सोशली और मतलब वो फैशन आइकन बन चुकी थी, वो स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी थी। आज के समय में एक 90s का एरा था कि लोगों ने उनकी फिल्मों, उनकी एक्टिंग के चलते उनको फॉलो किया, बट आज का एरा मैं कहती हूँ कि वो मतलब टीनेज गर्ल से लेकर वो मिडिल एज और वो जो मॉम और जो उससे भी ऊपर की एज तक महिलाएं जा चुकी थी, उनके लिए वो फैशन आइकन बन चुकी थी। वो इतनी फिट रहती थी, उनकी ड्रेसेस, सिर्फ ड्रेस मतलब वेस्टर्न ड्रेसेस, इंडियन, वो हर चीज इतना मैचअप करती थी। इंस्टाग्राम से लेके सोशल मीडिया कहाँ कहाँ लोगों को इतना ज्यादा फॉलो। आज मतलब अगर मैं उनके इंस्टाग्राम पिक्चर्स देखूँ, जैसे मैं उस दिन एक स्टोरी कर रही थी कि विद्या बालन को हम बहुत ज्यादा याद करते हैं कि साड़ियों का, तो आजकल मतलब उन्हीं को याद किया जाता है कि इंडस्ट्री में, बट मैं ये मानती हूँ कि श्रीदेवी एक ऐसी थी जिन्होंने अभी भी साड़ियों को बरकरार रखा था। जब उनको पद्मश्री दिया जा रहा था तब भी उन्होंने इतनी सुंदर बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, मतलब और हर जगह हर इवेंट पे, शाहिद मीरा की रिसेप्शन हो या विराट कोहली की रिसेप्शन हो, जहां भी वो पहुंची हैं वो इतनी सुंदर एलिगेंट साड़ियां पहन के पहुंची हैं। वो एक स्टाइल स्टेटमेंट थी। और आज उनके इंस्टाग्राम की उन पिक्चर्स को दोबारा अगर देखा जाए ना, फैंस का इतना प्यार है कि वो कमेंट्स कर रहे हैं हमें बिलीव नहीं हो रहा आप जा चुकी हैं, आप हमेशा हमारे मन में रहेंगे, हम आपको याद करेंगे। तो वो उनके पिक्चर्स है कि इतना वो इमोशनल फीलिंग आती है ना कि वो। और मैं एक चीज आपको और ऐड करना चाहूंगी, मुझे लगता है कि हम फिल्मों से ना जोड़े, वो एक पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी महिला थी, अपने करियर पे फोकस रहा, फिर जब उनको लगा कि मुझे अब समय अपने परिवार को देना है तो अपने उन्होंने पूरा वो 15 साल सिर्फ अपनी बेटियों को दिया, उनको उनको पाला, उनको पोसा, उनको इस लायक बनाया कि वो भी आगे कुछ कर पाए। तो बिल्कुल श्रीदेवी की मौत से जुड़ी हर खबर हम आपको दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइव अपडेट्स कर रहे हैं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए लोकमत न्यूज़.इन।